फ्रेंड्स, इस्कॉन में जुड़ने के बाद मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि इस्कॉन से जुड़ने से पहले मेरी लाइफ में जो भी अप डाउन्स आते थे, वो उन सब चीज़ों से लाइफ बहुत अनबैलेंस हो जाती थी। एक डिप्रेशन सा लाइफ, मतलब फैमिली इशू कोई है अगर, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती थी। लेकिन इस्कॉन में जुड़ने के बाद एक स्ट्रेंथ मिली, एक पॉजिटिविटी कि हाँ, चीज़ों को लाइफ में किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। एज आई एम अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की लाइफ में भी इस्कॉन का एक मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगी। जैसे कि सब स्टूडेंट्स की लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन होती है, एक ऐसी स्टेज होती है एक स्टूडेंट की, जैसे आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। लेकिन जब हम इन सब चीज़ों से जुड़ते हैं, जैसे कि यहाँ आने के बाद मैंने चैंटिंग स्टार्ट करी, बुक्स रीड करी प्रभुपाद जी की, तो मेरे को एक अंदर से सेल्फ कंट्रोल मिला कि हाँ, इन चीज़ों से मैं कैसे बच सकती हूँ, है ना, इन सब डिस्ट्रैक्शन से मैं कैसे अपने आप को ओवरकम कर सकती हूँ। और इसके अलावा एक डिसिप्लिन, जैसे कि मैंने यहाँ पे आके लेक्चर सुने, मेरे को पता चला कि एक स्टूडेंट की लाइफ में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल होता है। पहले मेरी लाइफ बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं थी, लेकिन आने के बाद मैंने ट्राई करा कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन ला पाऊँ, एक टाइमली शेड्यूल बना पाऊँ जिससे मेरी लाइफ अच्छे से चल पाए, एक बैलेंस हो पाए। ये सब चीज़ें मेरे को काफ़ी स्ट्रेंथ देती हैं, एक पॉजिटिविटी मिली मेरे को यहाँ आके, हाँ, मैं लाइफ की कोई भी चीज़ को एक पॉजिटिव वे में देख पाऊँ। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस चैनल को, भक्ति आश्रय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबा के उसको आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।